संगठन हमारा ध्येय सारा कुछ ठीक होने के बाद भी आपके व्यवहार में यदि कुछ गलत काम हो जाता है, मानो कहीं नियुक्ति करनी है, नियुक्ति करते समय दो पद्धतियां हैं। एक पद्धति है कि मुझे कौन पसंद है, मुझे कौन ना पसंद है, पसंदगी और नापसंदगी, लाइक्स एंड डिसलाइक्स, इसी के आधार पर कुछ लोग नियुक्तियां कर देते हैं। और दूसरी पद्धति है कि मेरा व्यक्तिगत संबंध कुछ भी हो लेकिन काम के लिए योग्य कौन। मुझे स्मरण होता है कि मैं कम्युनिस्टों की फेडरेशन में 2.5 साल तक रहा, पीएनटी के और बैंक के, ऊपर कम्युनिस्ट नीचे कम्युनिस्ट। हमारे जिनके यहां मैं रहता था, भैया कांगे, वो आरएमएस का कर्मचारी था, उसी के प्रयास के कारण मैं अध्यक्ष के नाते मेरा चुनाव हुआ। जनरल सेक्रेटरी के नाते सीपीएम के नेता एनजे अय्यर ये थे, वो जनरल सेक्रेटरी पहले से थे। चुनाव में तो मैं जीत गया और बाकी पदाधिकारियों का चुनाव होना था, तो एनजे अय्यर ने खड़े होकर कहा कि भाई अब ठेंगड़ी जी को अध्यक्ष के नाते आपने चुना है, तो अब हम बाकी चुनाव न करें, उनके लिए जो टीम सुविधाजनक होगी ऐसी टीम चुनने का अधिकार उनको दिया जाए, तभी तो सुचारू रूप से काम चल सकता है। तो कल तक विचार करते हुए ठेंगड़ी जी ने अपनी टीम डिक्लेयर करना चाहिए। अब सबके मन में था, अपने भी लोगों के और कम्युनिस्टों के भी, कि जिस भैया कांगे के परिश्रम के कारण ही मैं अध्यक्ष बन सका उसी को हम जनरल सेक्रेटरी करेंगे। ऐसा नहीं किया योग्यता को देखकर, और हम जानते थे कि योग्यता के नाते एनजीयर ही अच्छा है, तो हमने वो कट्टर शत्रु होते हुए भी उसको हमारा जनरल सेक्रेटरी घोषित किया। मेरे मर्जी पर था तो भी हमने उसको जनरल सेक्रेटरी घोषित किया, और फिर इतना परिवर्तन उनके अंदर दिया। वो कम्युनिस्ट रहे, संघ का विरोध करते रहे, हमारे बारे में उन्होंने आखिर तक बहुत अच्छी भूमिका निभाई, किंतु पसंदगी नापसंदगी इसके आधार पर यदि आप काम करते परिणाम क्या होता जरा सोचिए। तो मान लीजिए कि मुझे फलाना, मैं फलाने पद के लिए योग्य हूं ऐसा मुझे लगता है, आपको वहां नियुक्त नहीं किया गया, जो नियुक्त करने वाला संगठन मंत्री है उसने और किसी को किया। अब यदि आपके विषय में जनरल धारणा ये रही कि यू आर ए मैन ऑफ लाइक्स एंड डिसलाइक्स, पसंदगी नापसंदगी का विचार आपके मन में रहता है, तो उसको गुस्सा आएगा कि वो फलाना आदमी अपने पसंद का था इसलिए उसको नियुक्त किया, मैं उनके पसंद का आदमी नहीं इसलिए मुझे नहीं किया, उसको गुस्सा आएगा। किंतु आपके बारे में सर्वसाधारण धारणा यदि यह रही कि आप लाइक्स एंड डिसलाइक्स के नहीं, तो उसको दुख तो होगा, गुस्सा नहीं आएगा, वो इतना ही समझेगा कि ये लाइक्स एंड डिसलाइक्स के कारण नहीं हुआ, हाँ मेरे बारे में कोई गलत इन्फॉर्मेशन इनके पास पहुंची होगी इसलिए उन्होंने ये अन्याय मेरे साथ किया होगा, उनको सही इन्फॉर्मेशन जब मैं बाद में दूंगा अन्याय दूर हो सकता है, तो उसको दुख बहुत होगा, गुस्सा नहीं आएगा। तो इस प्रवृत्ति से भी अपने को बचाना चाहिए। आजकल ये प्रवृत्ति ज्यादा हो जाती है, क्योंकि बाहर के क्षेत्र में प्रवृत्ति चलती है ग्रुपिज्म, फैक्शनलिज्म,